हेलो हाय वेलपरी। तो गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। मेरा नाम है बसंत और ये वीडियो मैं बनाने का मकसद ये है कि मैंने जब GoPro Hero 10 जो मैंने लिया हुआ है अभी रिसेंटली, तो काफ़ी लोगों के कुछ क्वेश्चंस आए थे तो उसी के रिगार्डिंग है। तो उसमें से एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझे उनका लगा, मिस्टर राहुल जिन्होंने कमेंट किया था कि मेरा ये जो GoPro है मैंने जब 4K 60fps में क्यों नहीं रिकॉर्ड किया। तो एक्चुअली मैंने वो 4K 60fps में मैंने रिकॉर्ड किया था, बट वो क्या हुआ कि मैंने जो पहले और एक वीडियो मैंने इससे पहले दूसरे कैमरे से जो अपने फ़ोन से मैंने रिकॉर्ड किया वो 1080p में किया था। तो वो एक्चुअली क्या किया कि जब मैंने अपने प्रोजेक्ट को जब एडिटिंग करने बैठा तो पहले मैंने 1080p वाला जो एक्सपोर्ट मैंने जब टाइमलाइन में लाया सॉफ्टवेयर में एडिटिंग करने के लिए, तो उसमें क्या हुआ कि फिर वो सारा प्रोजेक्ट वो 1080p में हो गया, तो वो 4K में फिर वो हो नहीं पाया। तो हाँ मिस्टर राहुल, वो 4K में नहीं हो पाया था। तो ये बेसिकली अभी मैं 4K 60fps लीनियर मोड में कर रहा हूँ आपके लिए। ये है 4K 60fps लीनियर मोड। अब मैं ये कैमरे को सन के एकदम बराबर पर रखा हुआ हूँ, तो उस पर देख सकते हैं आपको किस तरीके से आ रहा है। और अब मैं ये अगेंस्ट में हूँ और ISO अभी मैंने सेट किया हुआ 800 पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है तो एक्सपोज बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर मैं ISO बढ़ा दूँगा। तो 800 पे आई थिंक ये सही आ रहा है अभी फ़िलहाल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, तो हमारे और एक भाई का सवाल था कि मैं कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ एडिटिंग के लिए। तो फ़िलहाल मैं अभी आपको बता दूँ, अभी ये मैं मीडिया मोड मैंने यूज़ किया हुआ है और ये कम से कम 2 फीट की दूरी पे ये रखा है मैंने, और इससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि ये मीडिया मोड से माइक की क्वालिटी कैसे आ रही है। तो सॉफ्टवेयर मैं यूज़ करता हूँ फिल्मोरा एक्स बेसिकली अच्छा सॉफ्टवेयर है, उसमें यूज़र फ्रेंडली है, काफ़ी ताम झाम उसमें है नहीं। तो फिल्मोरा एक्स में यूज़ करता हूँ अपने वीडियो एडिटिंग के लिए। कहाँ गए? अच्छा वहाँ पे आप लोग, तो आप लोग तो कहाँ ऊपर पहुँच गए यार। तो और एक भाई का सवाल था कि मैं ये US से मंगवा सकता हूँ कि नहीं, उनके लिए काफ़ी सारे लोगों का सवाल था। तो गाइस मंगा तो नहीं सकता, उसके लिए सॉरी, क्योंकि भाई मेरे जो फ्रेंड्स थे जो US में रहते हैं तो उसी के थ्रू मैंने मंगवाया था, अब तो वो तो गया US। और अगर आपके जान पहचान के हैं कोई तो आप उन्हीं से मंगा सकते हैं। तो प्लीज़ ये सवाल मत पूछिएगा कि भाई आप मंगा सकते हो कि नहीं मंगा सकते हो, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। तो ये चीज़ है। और अभी जो माइक मैंने रखा हुआ है ये कम से कम ये अभी 7-8 फीट की दूरी पे है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें आवाज़ किस तरीके से आ रही है और इसकी क्लैरिटी कितनी है। कमाल है यार, जब मैं नीचे होता हूँ आप ऊपर आ जाते हो और जब मैं ऊपर होता हूँ आप नीचे चले जाते हो। तो चलिए अब करते हैं। मैंने और एक चीज़ टेस्ट नहीं किया था इसमें, टाइम लैप्स, तो आज वो मैं टाइम लैप्स भी टेस्ट करके आप लोग को दिखाता हूँ और देखते हैं GoPro Hero 10 में टाइम लैप्स किस तरीके से दिखता है। तो गाइस अभी क्या है कि मुझे टाइम लैप्स लेने के लिए यहाँ पे कुछ छत पे तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे कुछ ज़्यादा मूवमेंट हो नहीं रहा है। तो इसके लिए मुझे लग रहा है कि यहाँ पे पास में रेलवे स्टेशन, तो मैं वहाँ पे जाके सोच रहा हूँ कि टाइम लैप्स लिया जाए, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी मूवमेंट है, तो वहीं पर चल के टाइम लैप्स लेता हूँ। और आप लोग के लिए बताओ यार, मैं पालम स्टेशन में भी गया पर वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ही वो था, क्या बोलते हैं, भीड़। तो अब मैं आया हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा हमारे पास में ये हाईवे भी है, तो यहाँ से देखते हैं टाइम लैप्स कैसा आता है। तो गाइस देखिए, एक वीडियो शूट करने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं एक परफेक्ट टाइम लैप्स लेने के लिए। चलिए देखते हैं कहाँ पे मिलता है हमें परफेक्ट टाइम लैप्स। अभी बस पहुँचने ही वाला हूँ मैं।
तो गाइज अभी रिसेंटली GoPro ने एक फॉर्मवेयर अपडेट किया है उन्होंने अपना, तो उसमें अब क्या है कि 24 FPS पे आप शूट कर सकते हैं वीडियोस को। तो अभी मैं शूट कर रहा हूँ ये 4K वाइड है, वाइड एंगल में मैं शूट कर रहा हूँ और साथ में ये 24 FPS में मैं ये शूट कर रहा हूँ। तो अब 24 FPS का भी ऑप्शन आपके पास है GoPro Hero 10 में। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे टेस्ट, हम करेंगे सुपर वाइड में। तो सुपर वाइड में आपको वो फिश आई वाला इफेक्ट आएगा, तो अभी वो शुरू करते हैं। सुपर वाइड एंगल का मैं शूट करके बताता हूँ आपको किस तरीके से दिखता है अब। तो गाइस अब है ये 24 FPS में शूट कर रहा हूँ 4K, और ये है सुपर व्यू जो देख सकते हैं, जिसमें इसमें फिश आई वाला इफेक्ट आ रहा है। तो कितना ये कैप्चर कर रहा है मेरे आसपास के सारे चीज़ें, ये है सुपर व्यू एंगल। तो गाइस चलते चलते एक आखिरी क्वेश्चन ले लेते हैं। मुझे से पूछा गया था कि GoPro Hero 10 में क्या फ्रीजिंग प्रॉब्लम होता है। तो गाइस अभी तक मेरे को यूज़ करे हुए 2 हफ्ते या 3 हफ्ते हो चुके हैं और अभी तक मेरे को फ्रीजिंग का इशू तो नहीं आया हुआ, थैंक्स टू GP2 प्रोसेसर जो अभी रिसेंटली GoPro Hero 10 में लॉन्च हुआ है। तो इसकी वजह से फ्रीजिंग तो इशू नहीं हुआ है। हाँ थोड़ा बहुत हीटिंग इश्यूज थोड़े बहुत होते हैं, मतलब आई मीन ऑब्वियसली आई मीन अगर आप लगातार आप यूज़ करेंगे तो थोड़ा बहुत तो हीट प्रॉब्लम आता है, पर ऐसा कोई हैंगिंग इशू अभी तक नहीं हुआ कि मतलब कि आपका GoPro हैंग हो गया हो या नहीं। तो ठीक है, मतलब अभी तक परफॉर्मेंस इसकी अच्छा है। तो गाइस अगर आपके पास अगर अभी तक आपने GoPro नहीं लिया है और अगर आप GoPro 10 लेना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये, GoPro Hero 10 में आप जा सकते हैं। पर अगर आपके पास पहले से ही GoPro Hero 9 है और आप चाहते हैं कि अपग्रेड करना GoPro Hero 10 में, तो मुझे ऐसा कोई रीज़न लगता नहीं है कि मतलब आपको GoPro Hero 10 में अपडेट होना चाहिए फ़िलहाल के लिए। आपका GoPro Hero 9 भी बहुत अच्छा अभी फ़िलहाल परफॉर्मेंस देता होगा। तो हाँ अगर आपको अगर मेजर अपग्रेड आप चाहते हैं, मतलब अगर आपने कभी GoPro Hero नहीं लिया, तो आप डेफिनेटली GoPro Hero 10 को कंसिडर कर सकते हैं। तो चलिए गाइस इसी नोट पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।